की घूस मांगने वाले देवरिया के जिला टीबी रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को किया सस्पेंड। घूसखोर बाबू के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का दिया आदेश। गोरखनाथ मंदिर से गुरुवार की सुबह जयपुर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोवंश को अपने हाथों से खिलाया गुड़ चना। सीएम योगी के दुलार से निहाल हुए गोवंश। जनपद में 8 अक्टूबर तक होगी बारिश। बारिश के समय ना निकले घर से बाहर। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। माँ दुर्गा की प्रतिमा का लोग गाजे बाजे के साथ करने जा रहे हैं विसर्जन। सीओ कोतवाली ने कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों व SSB जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। विसर्जन होगा सकुशल संपन्न। वन विभाग के कार्यालय से फाइलों की चोरी करने वाले अभियुक्त पप्पू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुआ फाइल किया बरामद, भेजा जेल। गुरुवार को धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का राप्ती घाट पर बनाए गए तालाबों में किया गया विसर्जन। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। और जनपद में हुई लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बारिश के समय में नदियों में ना करें स्नान। ADM फाइनेंस ने नागरिकों से की अपील।